आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं इंडिया से क्या लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरमीत कौर और सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आज है संडे और बच्चे उठ गए हैं, उठकर हो गए हैं रेडी। अगर अभी तक आपने हैप्पी सिंह फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और हैप्पी सिंह फैमिली का मेंबर बनिए, और प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखा कीजिए। हम लोग वापस आ गए हैं, बच्चों का अभी तक मन नहीं लग रहा, कल इनका स्कूल है, तो आज मैंने इनके बाल धो दिए और कर दिया रेडी। सामान अभी सारा निकालने वाला वैसे ही पड़ा है सूटकेस में, पहले मैं इनको खाना देती हूँ और फिर हम सारा सामान निकालेंगे, आज फिनिश कर देंगे। एक कल तो मन ही नहीं किया, सारा दिन ऐसे ही रोते रहे बच्चे भी मैं भी, और चलो अब यहीं पर रहना है तो काम तो करना ही है फ्रेंड्स। अरमान बाबू और अलीजा इधर है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अलीजा और आज संडे, और अरमान आज हम बहुत सफाई क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी थी, हमारे बाल भी बहुत साफ हो गए हैं। हाँ, बाल धो ली, वहाँ पर बाहर खेलते थे ना तो धूल मिट्टी आ ही जाती है बेटा, और ये बहुत ठंड भी है। हाँ, और मैंने इंडिया जाना है बस। इधर आ गई अवलीन। अवलीन क्या कर रहे हो? ये मेरा बैग है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अवलीन, मेरे मुंह में पट्टा है। शाले हो गए हैं क्योंकि दो दिन से अवलीन को बहुत तेज बुखार था, आज थोड़ा फर्क है। कभी से शाले है मेरे मुंह में, पर बुखार तो दो दिन से था ना बेटा। मर्दी का ही मेरा पर्स है, ये छोटू है, ये मेरे कड़े है। आपका दिल लग गया इधर आकर? हाँ। नाना नानी को मिस नहीं करते? करते दोनों जी लगता है, इंडिया होना दोनों ही जी लगता है। आपका दोनों तरफ लगता है, वेरी गुड। एक तरफ जी लगता है। हाँ, अलीजा को उधर ज्यादा लगता है। अलीजा अरमान को भी दो सारे का तरफ लगता है। अरमान को अभी पता नहीं ना बेटा, वो छोटा है। बहुत अच्छा, क्या लेके आये? कड़ा लेके आये बाबा जी वाला? ये नेल पॉलिश है पर तुमको दिख नहीं सकता क्योंकि ये व्हाइट नेल पॉलिश है, आपको कुछ भी नहीं दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट है ना। हाँ, आपने लगाई है? हाँ, खुशबू आती है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं फुलके इनके लिए, खा लेंगे बच्चे और साहब। अरमान भी खा लेता आजकल थोड़ी थोड़ी रोटी, तो उसको भी खिला दूंगी। अरमान खा लो, अरमान को खीरा बहुत पसंद है, मुँह में खीरा निकालो। अलीजा वलीन भी खा रही हैं। दोपहर के बज गए हैं 12 फ्रेंड्स, अरमान को मैंने सुला दिया, काम घर का ख़त्म हो गया, और अभी मैं लेके आती हूँ सूटकेस और उनमें से निकालती हूँ सामान जो हम लोग लेकर आए हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इंडिया से क्या लेके आई हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि मैं इंडिया से क्या क्या लेकर आई हूँ। अभी हम खोलते हैं सूटकेस को। मैंने सभी सूटकेस में कुछ ना कुछ रखा है, एक में नहीं, इसलिए सारे ही खोलने पड़ेंगे और इनमें से निकालना पड़ेगा सामान। भारी था लेना। सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। अरमान भी आ गया, चलो चलो अरमान, हमारा सोदा पानी निकालें।
सौदा ही है फ्रेंड्स, पानी नहीं है। ये है हमारा मेन सौदा, ये है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, इसमें है बहुत सारा सामान फ्रेंड्स। उन्होंने ऐसे बंद करके दिया था तो हम लोगों ने सीधा इसी में रख लिया। हमने ये तोला था, ये पूरा 20 किलो का गट्टा है और इसमें सब सामान निकलेगा। ये वाले ब्लैंकेट लेकर आए हैं 2 पीस। और कुशन कवर, और बेडशीट लेकर आए हैं। जो यहाँ पर फोटो बनी है ना, सेम ही है। ये वाली बेडशीट है, इसके ऊपर कढ़ाई की हुई है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, हमारे रूम के साथ मैच करता ना ये वाला कलर। एक ये वाली चादर लेकर आए हैं और एक ये वाली, ये फ्लावर वाली है। और एक ये वाली, इसके ऊपर भी कढ़ाई की हुई है गोल्डन कलर की। इसको हमने रेडी करवाया इलास्टिक डालकर ना, फिर आराम से आ जाती बेड के ऊपर। और इसके साथ है ये वाले पीलो फुल साइज के, और एक ये वाली चादर। और क्या लेकर आए अरमान बाबू? और ये ड्राई फ्रूट वाला सेट फ्रेंड्स। फोर पीस है। अरमान, और एक चपाती बॉक्स जो हर घर में जरूरी होता है। और 4 पीस ये छोटे वाले कप, कहते इसमें मुंह नहीं जलता, दूध डालते हैं बच्चों के लिए, थोड़े भारी वाले हैं, अंदर कुछ लगा है इसके। और एक कढ़ाई, मेरे पास छोटे वाली नहीं थी सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस बार छोटी कढ़ाई लेते हैं। हमारे चूल्हे पर ऐसे वाली कढ़ाई चलती है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल प्लेन होती है ना नीचे से, इस बार हमको मिल गई। ट्राई करते चलता है कि नहीं, आवाज बनाने लग गया ना तो इसने पकड़ लिया। अभी पानी गर्म होगा, हाँ पानी में से बबल आने लग गया। चल गई, काम चल गया यार। वाव अरमान, प्लीज मां मत खिला लो। और शेप पीने वाले थाल लेकर आई हूँ, इसका डिजाइन मेरे को अच्छा लगा। बड़े वाले नहीं थे हमारे पास, छोटे वाले थे। शेप इस ग्लास लेकर आई हूँ। अरमान क्या कर रहे हैं? ये वाले ग्लास लिए फ्रेंड्स। और पकोड़े तलने के लिए छन्नी, और चाय पुनी, ये चीजें वहीं पर मिलती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं मिलती। और एक बिस्कुट बनाने वाली मशीन, जो हम लोग देसी बिस्किट खाते हैं, भुजिया। ये वाली अरमान बाबू, आप छेड़ो मत मेरे सामान को, मुश्किल से आया। और क्या लेके आए अरमान? 12 पीस चम्मच लेकर आई हूँ। और मेरे फेवरेट झाड़ू, जिसके बिना मेरा काम नहीं चलता। हम लोग एक बार ले आते हैं फ्रेंड्स, 2 साल चल जाते हैं। एक ऊपर रख लेते हैं और एक नीचे, तो ये बहुत जरूरी झाड़ू।
और इसमें मसाले दालें। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या स्पाइसेस लेकर आई हूँ इंडिया से। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को जरूर देखना। अरमान बाबू आ गया मेरी गोदी में और सामान आप लोगों ने देख लिया। फ्रेंड्स जाना है अरमान बाबू ने, नानी मामा के पास जाना है। अलीजा का भी दिल नहीं लगता, अरमान का भी नहीं लगता। आज अलीजा मेरे को बोली, मम्मा हमारी एक रोटी बच गई, अगर इंडिया में होते तो डॉगी को डाल देते, अब कहाँ फेंके। हम लोग ना यहाँ पर इकट्ठी करके चिड़ियों को डाल देते हैं, पर हम डाल नहीं सकते, वो लोग ना जुर्माना दे देते। हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरमान कैसे कहते मम्मा को, क्या खाएगा अरमान? किशमिश खाएगा, इंडिया वाली किशमिश लेके आई है मम्मा, थोड़े से काजू भी लेके आई अरमान के लिए। अरमान बाबू का कैसे मुंह खाएगा? दीदियाँ खेल रही हैं। हाँ मामा 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 मामा, बाय बोल दो फ्रेंड्स को, बोल दो हेलो, बोल दो सत श्रीकाल, बोल दो। अरमान अब सत श्रीकाल भी करता है, नमस्ते भी करता है। नमस्ते फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, मैं हूँ अरमान और मैं नोटी हूँ, बहुत नोटी हूँ मैं, एक मिनट नहीं रुकता मैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सारा एयरपोर्ट इसने घूम लिया है ना, क्रॉलिंग कर करके इधर से उधर, एक जना पीछे ही रहा इसके बस पकड़ने में, कभी अलीजा, कभी अवलीन, कभी मम्मा, कभी पापा, इधर से उधर घूम घूम कर थक गया अरमान बाबू। अभी निन्नी भी नहीं आ रही आपको, आज आधा घंटा ही सोया, मैंने कहा सो जाएगा तो आप लोगों को सामान दिखाऊंगी। अभी जा जाकर सामान छेड़ता है, इसके छोटे छोटे जो फिंगर है ना फ्रेंड्स, ऐसे डालता ना किस चीज में, फाड़ देता उसको मिनट में। अरमान बेटा आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है बेटा, अलीजा भी बना रहे हैं रंगोली। आ जाओ फिर बेटा, मैं भी रंगोली बनाऊंगी। बना दो, अलीजा ने बनाया, अलीजा ने बनाया रंगोली, मैं भी बनाऊंगी रंगोली। देखो ये है मेरी रंगोली, मैं अभी मैं एक और बनाऊंगी, वो ना ग्रीन होगा और मैं उसकी बहुत अच्छा बनाऊंगी। तैयार हो गया ना, फिर हम आपको दिखाएंगे। वाह कितनी सुंदर रंगोली है ना। वाह अवलीन, अवलीन पे किताब देखो गाइस, मम्मा ने नया झाड़ू लिया और अभी यहाँ पर अलीजा ना झाड़ू को झाड़ रही है। जब ये नया होता ना फ्रेंड्स, तो इसमें से ना ग्रीन ग्रीन बुरा सा निकलता और झाड़ू लगता नहीं, तो इसको झाड़ना ही पड़ता है। नो बेटा, दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं अभी फ्री हुई हूँ, सारा काम खत्म करके बनाई है चाय, पीते हैं चाय। और हम लोग ये वाली बर्फी लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ये केसरी सिंहपुर की मशहूर बर्फी है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अरमान आ जाओ बेटा, चाय के साथ खाऊंगी बर्फी और पीऊंगी चाय। अरमान के खाएगा बर्फी, खाएगा ले लो।